लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ट्रैवल टू रिचार्ज। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल टू रिचार्ज। और दोस्तों मैं हूँ अनिल और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं आज आया हूँ EOD एडवेंचर पार्क, और इस पार्क में मैं पहले भी आ चुका हूँ पर इसमें कुछ नई राइड्स ओपन हुई हैं, नई एक्टिविटीज़ ओपन हुई हैं, तो इस वजह से मैं आज दोबारा आया हूँ उस EOD पार्क में। और वो कौन राइड कौन कौन सी है और इसके टिकट प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिलेगी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको EOD एडवेंचर पार्क। तो दोस्तों यह EOD एडवेंचर पार्क का मेन गेट गेट नंबर 2 है, और जब भी आप आएंगे आपको एक्सी वाला यहीं छोड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पार्किंग की। दोस्तों EOD एडवेंचर पार्क में जो बहुत बड़ी पार्किंग है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको पार्किंग से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इजीली अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं इसके लोकेशन की। दोस्तों ये पड़ता है मयूर विहार में, और ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो मयूर विहार फेस 1 है, और त्रिलोकपुरी भी उतर सकते हैं। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर उतरेंगे आपको रिक्शा वाला मिल जाएगा, वो पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज करेगा और आपको EOD के गेट नंबर 2 पे उतार देगा, जो कि ये वाला गेट है। आप यहां से अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस पार्क के टाइम बता दूँ, ये रोज़ 11 से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, और ये जो टिकट काउंटर देख रहे हो ये बिल्कुल नया खुला हुआ है। चलिए आपको टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सो दोस्तों ये टिकट इन्फॉर्मेशन, और आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कॉम्बो है, 200 का है, 300 का है और 400 का है। ये वीकडेज़ के हैं, और वीकेंड में 300 का है, 400 का है, 500 का है। तो दोस्तों ये सब सेम है एक्टिविटीज़, बस वीकेंड में 100 रुपये बढ़ जाते हैं सब में। और ये देखिए मैं जो लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ किलर कॉम्बो, और इसमें देखिए बॉलिंग है, जिप लाइन है, बुल राइड है, सिप साइकिल है, बोटिंग है, लेजर टैग है, बॉडी जॉर्बिंग है, आर्चरी है, बोर्ड गेम्स है, मतलब सारी एक्टिविटीज़ अगर करना चाहते हो तो 400 ले लेना वीकडेज में आ गए, और वीकेंड में आ गए तो सेम वही 500 का पड़ेगा। तो ये थे टिकट की इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो अगर उसकी हाइट 4 फीट से ऊपर है तो एडल्ट में काउंट होगा, और 4 फीट से नीचे है तो किड्स में काउंट होगा। और किड्स की जो एक्टिविटी है वो है किड्स फन जोन, जंगल हाउस, बोटिंग और रेन डांस। और बात करते हैं रेन डांस टाइमिंग की, तो वो देखिए यहाँ पे 30 मिनट का टाइम स्लॉट होगा, और वीकडेज मंडे फ्राइडे, और 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 15 मिनट के लिए ही चलेगा बस, ठीक है। सो दोस्तों अगर आपके पास पैसे कम है तो आप 75 रुपीज़ में भी यहाँ पे घूम सकते हैं। आप 75 रुपीज़ में कोई एक एक्टिविटी यानी कोई बोटिंग या आर्चरी कर सकते हैं और इस EOD एडवेंचर पार्क में घूम सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ फूड जो है अलाउड नहीं है, अगर लाते हैं तो आपके यहाँ जमा करना पड़ेगा या खाना पड़ेगा। और दूसरा कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी अलाउड नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ पानी की बोतल आप अंदर लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों एंट्री करते हैं आपको छोटा सा कैफेटेरिया मिलेगा और साथ में एक छोटी बोट सीटिंग मिलेगी, तो आप यहाँ बैठ के बिल्कुल भी अच्छा फील करेंगे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं, तो आपका बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और करके सारी एक्टिविटी करते हैं और आपको पूरा फीडबैक देते हैं। सो दोस्तों जिप लाइन करने के लिए आपको पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इसे हार्नेस बनाया जाएगा, हार्नेस बनाने के बाद आपको हेलमेट जाएगा, और इसके बाद आपको जो यहाँ पर जिप लाइन हो रही है वहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, जो कि जस्ट ट्री ऑन टॉप के जस्ट सामने हो रहा है। सो दोस्तों मैं जा रहा हूँ जिप लाइन करने, और बकायदे हार्नेस वार्नेस पहन कर तैयार हो गया हूँ मैं, ये देखिए हार्नेस तो तैयार हो गया हूँ और चल रहा हूँ जिप लाइन करने, और बाकी और भी लोग जा रहे हैं यहाँ से। सो
दोस्तों ये हो रही है बुल राइड, लेट्स सी कितना टाइम सर्वाइव कर पाती हैं। चलो ये बहुत अच्छा चल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरे सामने है ढिंचक ढाबा जो कि जस्ट आपके टी टॉप के नीचे है। यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें देखिए यहाँ पे ना चिली पनीर है, आपका वेज मंचूरियन है, आपका क्रिस्पी चिली पटैटो है, आपका ढाबा स्पेशल थाली है, बाकी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो सब MRP मिलेंगे। तो ये है आपका ढिंचक ढाबा, तो अगर आप आते हैं, भूख प्यास लगती है तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह के यहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स भी दिए गए, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी खा भी रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो आप यहाँ बैठ के खा भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ नई एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ वो है टीटप कोर्स, और मेरे आगे देखिए काफ़ी लोग जा चुके हैं और मैं भी एंट्री करने वाला हूँ, और इसमें बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कोई फौजी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस एक्टिविटी को करते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों फाइनली फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है टनल वाली स्लाइड और अब मैं इसको करने वाला हूँ, बहुत ही लंबा है और अंधेरा है तो अंदर थोड़ा कुछ दिखाई नहीं देगा, तो चलिए अंदर चलते हैं और टनल राइड के मज़े लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूरी मस्ती चल रही है, देखिए ये देखिए लड़कियों ने धमाल मचा दिया यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए कितनी ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये देखिए स्लाइड के लिए जा रही है। तो दोस्तों मैंने टी टॉप कोर्स कर लिया है, बड़ा मज़ा आया यार, ये एक नंबर है बस। अगर आप आते हैं ना EOD तो इसको अपने कॉम्बो में जरूर शामिल करना, टी टॉप कोर्स बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ रेन डांस हो रहा है, रेन डांस से अलग अलग टाइमिंग है, जैसे 1 बजे 3 बजे 5 बजे इस तरह से टाइमिंग पे होता है रेन डांस होता है। फिलहाल ये जो लोग रेन डांस के मजे ले रहे हैं, तो दोस्तों मेरे जस्ट सामने है आर्चरी और डार्ट होता है, तो चलिए वो आर्चरी करते हैं, निशानेबाजी लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना निशाना है हमारे में और हम सेंटर में चोट कर पाते नहीं कर पाते हैं, तो देखिए। तो दोस्तों यहाँ बहुत से लड़कियाँ हैं जो EOD में एडवेंचर के लिए आई हैं, चलिए इनसे पूछें इनको कैसा लगा, बताइए। बहुत अच्छा लगा, अभी तो हमने बस टी टॉप की कोर्स किया है, इसके बाद हम आर्चरी कर रहे हैं, और बाकी ये रहे मेरे दोस्त, इनसे पूछिए कैसा खेल, बहुत अच्छा लगा हमें भी। टिकट के पैसे इन्होंने ही दिए हैं, और फाइनेंसर हैं ये, पूरी फाइनेंसर हैं, इसलिए मुझे साथ में लेके चल रहे हैं, और हम यूटिलाइजर हैं, हमने पूरा यूटिलाइज किया। अच्छा, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, रेन डांस नहीं करना, और अच्छे से बताओ, तो फिर जाओ तो खत्म बंद हो जाएगा, शाम वाला करेंगे, शाम वाला अच्छा लग रहा है। हां चलो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ट्रैवल टू रिचार्ज। दोस्तों मैं तैयार हूँ निशाने के लिए,
दूसरा ट्राई मारते हैं। मारो मारो मारो, चलो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में लगा है, क्या निशान लगा पाएंगे? ओ हो हो, चुक बिल्कुल चुक गए आसान से। सो दोस्तों, ट्री टॉप आर्चरी आपका डार्ट खेलने के बाद अब हम जा रहे हैं खेलने बॉलिंग, और जस्ट इसके अंदर जाएंगे बॉलिंग खेलने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम एंटर करेंगे आज के, कुछ लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं और कुछ लोग कैरम बोर्ड की मज़े ले रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे गन शूटिंग करना है, लेज़र गन शूटिंग है यहाँ पर, देखिए। ये देखिए लोग बैठ के शूट कर रहे हैं, समझ लो पबजी गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, पबजी का गेम चल रहा है। एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है, तो पूरा पबजी का फील ले रहे हैं लोग यहाँ बैठ कर। ये मर गया भाई। सो दोस्तों, आज वीक डेज है और फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है कि इतना ज़्यादा वेटिंग चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, नंबर ही नहीं आ रहा, मतलब आधे आधे घंटे की वेटिंग जा रही है। तो सैटरडे संडे क्या हाल होता होगा। तो अगर आप आते हैं तो सुबह जल्दी आए ताकि सारी एक्टिविटी आप कर पाएँ। सुबह 10-11 बजे ओपन होता है, तो 11 बजे आ जाएँ ताकि आप पूरी एक्टिविटी कर पाएंगे। और जो भी है, जैसे आपका जिपलाइन है, साइकिलिंग है, आपका बॉलिंग है, आपका ये सब चीज़ पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत वेटिंग होती है। आई लव EOD, ये तो हर जगह मिलता है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, ये है बोटिंग पॉइंट और यहाँ भी बोटिंग होती है, और फिलहाल हम बोटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको नंबर लगाना पड़ता है आने से पहले, क्योंकि भीड़ हो जाती है, तो कोशिश कीजिए पहले कर लीजिए। फिलहाल अभी धूप है तो लोग, भीड़ कम दिख रही है, तो काफ़ी लोग ऑलरेडी बोटिंग कर रहे हैं। चलिए मैं भी बोटिंग करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी EOD एडवेंचर पार्क के, अभी मैं इसमें बोटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ की जब भी आता हूँ बोटिंग करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप आते हैं EOD में तो यार पहले बोटिंग कर लेना, क्योंकि यार थोड़ी भीड़ आती है और धूप अभी ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी थोड़ी कम लोग कर रहे हैं, पर सुबह शाम को थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार। और हाँ यार, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप करते नहीं हो यार, ताकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं नई नई प्लेसेस की वीडियो लाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो यार बस आओ यहाँ पर EOD में और मज़े करो दोस्तों के साथ यार, बड़ा अच्छा जगह है। तो दोस्तों, बिल्कुल साइकिलिंग के लिए तैयार हो गए हैं, अब निकलेगी साइकिल, देखिए यहाँ से। इसमें बस ये होता है कि आपका पैडल मारते रहना, अगर पैडल नहीं मारो तो साइकिल रुक जाएगी। ये देखिए निकल पड़ी। दोस्तों, हमने साइकिल स्टार्ट कर दी है, और क्योंकि मैं अकेला आता तो मेरे पीछे एक लड़की है, साथ में साइकिल चला रहे हैं। ओहो, उतर गई चेन यार, गिरेंगे तो नहीं भैया, चेन उतर गई। हिलो मत यार, ऐसे बैठे रहो, शांति रहो भैया। उतर गई चेन, तुम्हारी चेन उतरी क्या? पता नहीं, तुम्हारो क्या, तुम्हारा मेरा उतरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे यार चेन फिस उतर गई यार, मतलब ये बड़ा बकवास है, तीन बंदे बैठ चुके, तीनों पे चेन उतरी है। अरे कोई तो उतारो यार हमें।
सो दोस्तों बड़ों के साथ यहाँ बच्चों का भी बहुत कुछ एक्टिविटी है जो बच्चे कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी शाम के साथ ओपन होता है ये। सो दोस्तों ये है जंगल हाउस, यहाँ बच्चे एक्टिविटी करते हैं और बिल्कुल टीयर टॉप की तरह बनाया गया बच्चों के लिए भी। फिलहाल अभी कोई बच्चे दिख नहीं रहे यहाँ पर, तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर आकर इन्जॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था योडी एडवेंचर पार्क। यार बड़ा मज़ा आया, जब भी आता हूँ बहुत इन्जॉय करता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आओगे तो बहुत इन्जॉय करोगे। गर्मी है पर क्या करें, मज़ा बहुत आता रहा है और भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आते हैं वीक डेज में आओ, लेकिन यार कोशिश करो वीक डेज में आओ और वीकेंड में बताओ। और टिकट वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दी है, लोकेशन ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।